क्या जेल में आटे को रोटी बनाने के लिए पैर से साना जाता है? जी जी, वह जेल से कैदियों को निकाल के मार भी दिया गया हम लोग न। तो आप बताइएगा, जेल आप गए हैं, जेल में कैसा खाना दिया जाता था? बहुत लोग 195 आदमी वो बिल्कुल एकदम जानवरों की तरह उसको मारना पड़ता है। नमस्ते नमस्कार, अभी आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि 14 साल 6 महीना जेल काट करके आए हैं, और क्या कुछ कष्ट होता है जेल में दोस्तों, उसके बारे में आपको खुले आम बताएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सुनील जी हमारे चैनल में। चलिए धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल रहेगा कि क्या मजबूरी हो गया कि आपको ऐसा अपराध करना पड़ा कि आपको जेल 14 साल जेल काटना पड़ा? देखिए, समय दिशा और दशा जब इंसान का बदल जाता है और समाज के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपको इग्नोर करने लगेगा और सही से आप खा रहे हैं, सही से कमा रहे हैं, सही से घूर रहे हैं, तो जितना आदमी को अपना दुख से दुखी नहीं है उतना दूसरों के सुख से वो दुखी है। तब जब आप जेल गए तो सबसे ज्यादा वहां पे कठिनाई क्या हुआ, क्या आपको लगा कि नॉर्मल इंसान से ज्यादा कठिनाई वहां है? देखिए, जेल में कठिनाई की बात अगर कहा जाए तो ए बी सी डी में 26 अक्षर होते हैं, उसमें कुछ कॉन्सोनेंट है, कुछ वोवेल भी है, जो कि अगर स्टूडेंट लाइफ एनीबडी स्टूडेंट हार्डली लेबर ईयर्स मैन तो 20 ईयर्स योर लाइफ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ योर जॉब। अच्छा, इतना फटाफट इंग्लिश बोल रहे हैं, जहां तक हम सुने हैं कि पढ़े लिखे अनपढ़ लोग गुस्से में आके, क्रोध में आकर के कुछ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं कि उनको जेल जाना पड़ता है। अधिकतर कैदी जो होते हैं वो पढ़े लिखे कम होते हैं। इतना पढ़ लिख के आप जेल फिर गए क्यों? आई एम ए स्टूडेंट लाइफ इन द हार्डली लेबोरियस मैन, माई क्वालिफिकेशन इन द MSc, बट आई एम नॉट प्रिजनल अदर मैन इन द प्रिजनल। आई एम 14 ईयर्स मंडल का रहा जम्मू जेल इन द शिफ्ट, बट आई एम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आई एम डिस्कस की यू गिव मी इन द वन चांस आउट ऑफ आई एम जेल नॉट बिफोर टाइम आई एम क्राइम। तो आप ये बताइएगा कि जैसे आप बोल रहे हैं आप क्राइम नहीं किए हैं, आपको जेल जाना पड़ा, यही आप बताए थे इंग्लिश में, ठीक ना जी? तो ये बताइएगा, जब आप क्राइम किए ही नहीं तो आपको जेल कैसे जाना पड़ा? जेल देखिए, क्राइम तो नहीं किए थे, लेकिन हमारे पूर्वी गुगुल्ली पंचायत के कुछ ऐसे नेता लीडर थे, कुछ ऐसे समाज के त्रुटि थे, जो कि कोई केस में हमको बेजबरन भजा दिया गया था। जब पुलिस हमें उस समय 2007 में तबाह करने लगी तो अपराध की दिशा और ही मुझे सूझता था, उधरे दिखाई देता था हमको। अच्छा, ये बताइएगा, जेल में माना जाता है कि जिनके पास पैसा है वो बाहर से भी ज्यादा ऐश मौज जेल में कर लेते हैं, क्या सच्चाई है, खुलासा करिए। सच्चाई यही है कि पैसा न दादा ने भैया, सबसे बड़ा रुपया कहा जाता है, लेकिन जेल जाने के बाद अब पति भी है तो आपको पैसा आपके लिए कोई काम का नहीं है। हमने लालू यादव के साथ भी, हमें हटवार जेल गए थे तो वहाँ हमको जामतड़ा से भेजा गया था कुछ मेडिसिन के लिए, हमें हटवार जेल काके जिसको बोलता है काके, तो वहाँ उनसे भी हमारी, लालू यादव से भी हमारी मुलाकात 2018 में हुई थी। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत सारे ऐसे फिल्मों में देखते हैं कि जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, वो जेल जाते हैं तो उनके लिए सभी तरह का AU आयासी जो होता है वहाँ पे मौजूद होता है, क्या सच्चाई है? ये पैसे के बल पे होता है। आपके ऐसे इंसान भी, अगर आप लोग भी कोई मीडिया कर्मी अगर जेल आप चले जाते हैं और वहाँ अगर अनाप शनाप पैसा खर्चा कीजिएगा तो आप भी जेल जाके ऐस कर सकते हैं, लेकिन 100 में 5 आदमी जो कि विधायक हो, MP हो, MLA हो, सांसद हो, किया हो, मुखिया हो, ये सब जो उस ढंग के अगर जाते हैं तो वही लोग कम बेसी ऐसी कर पाते हैं, अन्यथा 195 आदमी वो बिल्कुल एकदम जानवरों की तरह उसको मारना पड़ता है। तो आप बताइएगा, जेल आप गए हैं, जेल में कैसा खाना दिया जाता था? बहुत लोग बोलते हैं जेल गए हमको पैर दबाता था, पुलिस हमारे पीछे पीछे घूमता था, ये क्या सच्चाई है? ऐसा कहने वाला जो कह रहा है वो गधा है। अच्छा जी, ऐसा जो कह रहा है वो गधा है और कोई किसी के पीछे मान नहीं घुरता है। दूसरों के सामने मुन्ना सिंह हत्याकांड हुआ था 2013 मंडल का राजा जमुई जेल में, जो कि बाहर निकाल के पीट पीट के उसको मार दिया गया, और उसी में जिस दरोगा के ऊपर यह लगा था मारने का आरोप, उस दरोगा का नाम जितेंद्र कुमार है, जो कि आज भी उसका नौकरी चली गई है और वो जेल में थे। अच्छा, ये बताइएगा, माना जाता है कि सबसे ज्यादा सेफ कैदी जो है जेल में होते हैं, तो जेल में कैसे मर्डर हो सकता है, कैसे मतलब जेल में भी अपहरण? अपहरण तो देखिए हमारे सीता माता का हो गया, जो कि जगत जननी के रूप में जाना जाता था, तो कुछ राक्षस ऐसे ढंग के होते हैं कि वो किसी को भी अपहरण कर लेते हैं, तो अपराध करने वाला तो कहीं भी भेज दीजिए वो अपराध कर ही देगा।
अच्छा, जेल में किस टाइप का खाना मिलता था? माना जाता है कि सूखा चावल दे दिया, सूखा रोटी दे दिया, किस टाइप का खाना? देखिए, सबसे पहले तो हमारा कैदी ही खाना बनाता है, जो विचारधीन बंदी है वो खैनी बनाता नहीं, जो सजावार है। आपको चार गो रोटी जला जला रोटी देगा, माँ ताया देखिएगा तो बहुत बड़ी बड़ी ताया रहती है, एक पर दस बिचवा माँ आटा जो साना जाता है वो लात से साना जाता है। अब समझ लीजिए, एक क्विंटल आटा अगर एक कैदी सान रहा है तो उसका शरीर का सारा पसीना उसमें जाता है। सबसे पहले वो कितना नहाए सोना जाएगा, लेकिन जब पसीना आएगा तो वही खाएगा। क्या जेल में आटे को रोटी बनाने के लिए पैर से साना जाता है? जी जी बिल्कुल, पैर से साना। आंखों से देखे जी, सुने? नहीं नहीं, हमने अपने आंखों से देखा हूँ, मैं साना भी हूँ, मैं उन्हें वहां साना भी हूँ, मैं सब कुछ देखा हूँ। लेकिन जब पवित्र होके उसमें आदमी हिलता है अनाज में, क्योंकि जो सान रहा है उसको भी वही अनाज खाना पड़ता है। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा वैसे युवाओं को जो कि बार बार यही धमकी देते हैं कि तोरा मार दबो, तोरा काट दबो, जेल होते कोई दिक्कत नहीं, आज जेल होते फिर कल बेल होते, क्या संदेश देना चाहिएगा? कि पापा जी जियल से बेसम रनमा हो भैया जहल खनमा देखली ना, अक्सर देखली बक्सर देखली जिला हम देखली पटनमा, अट्टी से हमें भागलपुर देखली कि मुर्गा बना के करेला पुलिस पिटनमा हो पापा जहल खनमा देखली ना, कि भैया जी जियल से बेसम रनमा हो भैया जहल खनमा देखली ना, एल घर देखली, एल घर मतलब होता है छोटा, जिसको सेल जिसको बाघ रखा जाता है एक घर में, कि एल घर देखा ली, सेल घर देखा ली, और देखा ली जुगलनमा, अब पीछे कंगनमा में देख ली अंगनमा, कि रोटी बेलत मरा दनमा हो पापा जेहल खनमा देखा ली ना। भले आप मर्दाना है, मर्दाने में जन्म ले लिए, लेकिन जेल जब जाइएगा तो लड़की का भी और औरत का भी काम करना पड़ता है, मौगड़ा बनना पड़ता है जेल जाने के बाद, क्योंकि वहां कुछ दमंग ऐसे दुर्व्यवहार व्यक्ति हैं जो कि वहां आपको काम करवाएंगे, पैर दबाएंगे, हाथ दबाएंगे, कपड़ा खिंचवाएंगे, पानी चलवाएंगे। अब तो इस जेल की क्या स्थिति है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब तक हमने जेल में था तो ये दर्द आप लोगों के सामने मैं बयां कर रहा हूं। अच्छा, माना जाता है जो लोग जेल में रहते हैं उनको इतना खराब खराब काम करना पड़ता है, लेटरिन वगैरह साफ करना पड़ता है उनका, जो कि दबंग है, क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि अगर किसी के चिंगुल में अगर हमारे जैसे भी योग गुरु अगर किसी के अगर चिंगुल में फंस जाए तो अपने जान बचाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए कुछ भी करना पड़ता है इंसान को, तो उसी तरह दमन कैदी के चिंगुल में वो फंस जाएंगे, माने आपका घर है ना, परिवार है ना, समाज है, तो आपको वहां उसका करना पड़ेगा। क्या बोलना चाहिएगा वैसे लोगों को जो कि अभी भी सोच रहे हैं कि ये कर दे वो कर दे भले जेल जाना पड़े? नहीं 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 नहीं, नहीं। उनसे मेरा विनती होगा, खासकर जिस चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और विशेष रूप से जेल जाने वाला कोई वैसा काम ना कीजिए जो कि आपको जेल जाना पड़े, जेल जाने वाला कोई काम नहीं कीजिए, उनसे मेरा बार बार विनती होगा, क्योंकि हमने वो दर्द को झेल के मुख धारा में लौट के, इस बार मैं पूर्वी गुगुल्डी पंचायत का 2026 माने होने वाला चुनाव मुखिया का मैं जनप्रतिनिधि हूँ, और इसी अमृत सरोवर पर मैंने 1,25,000 वृक्ष लगाने का शपथ लिया हूँ और समाज के लिए मुख्य कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा जब आप जेल गए थे तो आपके परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान होंगे, आपके साथ भी कोई ऐसा दुरुपयोग किया गया कि आपके परिवार को फोन करके पैसा मांगा गया, ऐसा कुछ घटना? जी नहीं, मेरे साथ इसलिए नहीं किया गया कि जिस समय हम जेल गए थे उस समय मेरा नाम जिला जानता था, इसलिए कि आज भी मुझे जान रहे हैं, उस समय भी जानता है, मेरे साथ तो वैसा नहीं किया गया। लेकिन वहां पुलिस का अगर बात अब नहीं मानिएगा, मेरे को भी बहुत पीटा है, एक 100 लाठी 10 लाठ, जब पगली घंटी जेल में बजती है तो अंधेरा बहरा कोई भी मिल जाएगा, जब तक लाठी से मारू गिर नहीं जाएगा तब तक डंगाते रहता है। अच्छा, ये बताइएगा जब जेल में जितने भी कैदी होते हैं उनका व्यवस्था क्या रहता है, कैसे सोना, कैसे उठना, कितना रूम होता है, एक लोगों के लिए क्या रूम होता है, 10 लोगों के लिए क्या रूम होता है, ये बताइएगा। देखिए, जेल वो कुकुरों का जगह है, कुकुर मतलब समझते हैं हमारे बिहार में जो कहा जाता है कुकुर, वो जेल कुकुरों का जगह है, और जिस तरह कुकुर बच्चे पैदा करते हैं, जिस तरह कुकुर अपने जीवन निर्वाह करते हैं, उसी तरह कैदी वहां रहते हैं। लेकिन लोग तो कहते हैं हम 6 महीने जेल काट के आए हैं, पूरा मोछ, पूरा दाढ़ी, पूरा मतलब हैवी बोलते हैं, हम तो दादा हो गए हैं, गुंडा हो गए हैं, वहाँ एस करते थे, वहाँ गोड़ दबाते थे, सब क्या सच्चाई है? सच्चाई ये सारा सारी गलत बात है, बिल्कुल ऐसा अगर कोई शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए वो गुरा हुआ इंसान, वो मानव नहीं, वो भी दानव है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें वहाँ पे सारे पुलिस दरोगा सब सलाम करते थे, डरते थे हमसे, क्या सच्चाई है? क्या जे कभी कैदी से भी पुलिस डरते हैं जेल? जी नहीं, ये गलत बात है, वो जिसके चिंगुल में आप बाबा शेर के पास अगर बाघ को ला दीजिए, शेर के पास अगर बाघ को अगर बकरी के पास ला दीजिए तो वो डरेगा नहीं, उसी तरह जेल है जहाँ बाघ और बकरी एक थाली में खाता है और एक घर में सोता है।
क्या संकेत देना चाहिएगा जब आप जेल गए तो क्या लगा वहाँ पे जाति जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन से कास्ट के वहाँ पे लोग रहते थे? पूरे बिहार में एकदम यादव ही यादव है, यादव मैं जेल था। और सभी यादवों परिवार से मैं कहना चाहूंगा योग गुरु रवि किशन आपको हाथ जोड़ के कि भूमि विवाद लेकर सारे जेल में पड़े हैं वहाँ के यादव, आप लोग जेल जाने वाला काम नहीं कीजिए और न लड़ाई कीजिए, बिल्कुल खाइए कमाइए। और बाल बच्चे को जैसे आज मैं योग गुरु अपने बेटे को मैं अपना जगत का बादशाह मानने वाला तीन स्टेट, लेकिन आज अपने बेटे को मैं बढ़िया शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ, मैं बढ़िया कपड़ा दे रहा हूँ, बढ़िया व्यवस्था कर रहा हूँ और समाज घर परिवार में रह के हम शांति से जीवन जी रहा हूँ। मतलब आपका बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यादव जो परिवार होते हैं वही सबसे ज्यादा बदमाश है, वही ज्यादा सबसे ज्यादा जेल में पाए जाते हैं जी, ऐसा कितना परसेंट क्या सच्चाई बोल रहे हैं? 70% यादव पूरे बिहार के जेल में बंद है, 70% 100 में 70 आदमी हमने सगर घूर के देखा, क्योंकि इसका आबादी भी ज्यादा रहने का कुछ कारण भी है कि हमारे बिहार में सबसे ज्यादा आबादी यादवों की है। क्या लड़ाई झगड़ा भी सबसे ज्यादा भी करते हैं तभी तो सबसे ज्यादा जेल में जी? बिल्कुल यादव है, हर एक चीज में यादव आगे है, हम में तुम में खड़े कम में सभे में हो यादव हो सहाय पहलाद कहे पिता से। क्या संदेश देना चाहिएगा वैसे लोगों को जो कि छोटे छोटे से जमीन के लिए छोटे छोटे से बातों के लिए लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, मर्डर तक कर देते हैं और जेल उनको कटना पड़ता है? देखिए अपराध करना कोई बहुत बड़ा जुल्म नहीं है, काटने का तो मैं पठा बकरी भी काट देता है आदमी नजरों के सामने, लेकिन एक मनुष्य का हत्या करने का मतलब है 100 गाय को काटना तो एक मनुष्य को हत्या करना। अब वो हत्या अगर आप करते हैं तो आज ने कल कल ने परसों आपको भी कोई ना कोई हत्या निश्चित करेगा, क्योंकि मैंने रामचरितमानस के सहारे से 14 साल तक हमने जेल काटा। तो दोस्तों हमारे साथ हैं बहुत ही ऐसे इंसान है जो कि 14 साल 6 महीना 7 दिन जेल काट करके आए हैं, और पहले जेल काटने के बाद अभी ऐसे बन गए हैं कि अभी ये अच्छा। अब ये बताइए पेड़ आप लगाना क्यों, जेल निकलने के बाद आप पेड़ लगाना अनिवार्य क्यों समझे? देखिए पेड़ इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक बढ़ गया हमारे हिंदुस्तान में, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के चलते कोरोना आया था हमारे हिंदुस्तान में, इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि पर्यावरण मेरा सुरक्षित रहे और यहाँ के मानव इसका ऑक्सीजन ले, पर्यावरण का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हटावे और ऑक्सीजन ले, इसलिए इतने वृक्ष का पीपल हो गया, सीसा हो गया, अमरूद हो गया और सारे फलदार फूल का गाछ मैंने इस अमृत सरोवर पे लगा रहा हूँ।